रहीम, हम शुरकाए कानफ़स इज्तमाही तौर पर ऐलान करते हैं कि ख़त्म नबूवत का अकीदा हमारे दीन और ईमान का लाजमी जुज़ है। अकीदा ख़त्म नबूवत का मसला 1400 साल कबल तय हो चुका है, जिसमें किसी किस्म का शक व शुबा ना है, जिसकी बाबत नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फ़रमान मौजूद है, जो कि मुकम्मल कानून है कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी ना है और ना होगा। रियासत पाकिस्तान की सबसे अहम ज़िम्मेदारी है कि वो ख़त्म नबूवत की बाबत तयशुदा कवानीन को पूरी ताकत से मौसर अंदाज में नाफज करे और शरपसंद अनासर की सरकोबी करे। ये इज्तमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी मतालबा करता है कि मुबारक सानी केस को फिलफौर इसका मुकम्मल फैसला करे, ताकि इस जुमन में शको शुबहात का जाला हो सके। ममलकत पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी का मौसर इस्तेमाल करते हुए आलमी फोरम्स, बिलखसूस OIC और UNO की सतह पर अकीदा ख़त्म नबूवत को उठाए और आलमी सतह पर इस सिलसिले में मौसर कानून साजी के लिए अपना किरदार अदा करे। कादियानियत के फितने की सरकोबी के लिए हुकूमत पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करे और इस ज़मन में मावन रियासती अनासर की सरकोबी की जाए। इक़वामे आलम बिलखसूस कादियानियत के पुश्तपनाह ममालक के अनासर और मग़रबी ममालक में मौजूद उनके पुश्तपनाह अफराद की सरकोबी के लिए हुकूमत पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। ये फोरम पाकिस्तान भर की वकला बार एसोसिएशन से भी मतालबा करता है कि अपने फोरम्स की सतह पर सोशल मीडिया और दीगर ज़राए के ज़रिए अकीदा ख़त्म नबूवत और राइज कवानीन के लिए भरपूर किरदार अदा करे। हम हुकूमत पाकिस्तान से भी मतालबा करते हैं कि वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए ख़त्म नबूवत की बावत कवानीन को भरपूर तशहीर करे और उनके नफाज में रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करे। अल्लाह ताला हमें अकीदा ख़त्म नबूवत की खातर अपनी जान, माल और वक्त को इस्तेमाल करने की तौफीक दे। आमीन। आप लोग मुतफिक हैं तो हाथ खड़े कर दें इसमें। जज़ाकअल्लाह। अब इस प्रोग्राम के